भूपी वर्सेस मदनपुर के मैच के तत्पश्चात हार्दिक निवेदन है कि आप तैयार रहेंगे, बार बार बुलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। हम समय से पहले आपको अवगत करा दे रहे हैं कि इसके बाद आपका मैच होना है। आल ब्लॉक के खिलाड़ी कहाँ हैं? आल ब्लॉक के भाइयों से निवेदन है कि आएंगे यहाँ पर। नौ नंबर की जाती है भोटली की ओर से, अच्छी कोशिश पता कर क्या इसने सुमित की जगह भूख मार के बैठा। यहाँ पर मदनपुर की ओर से छह नंबर की जाती है मोरिया और अच्छे रिजल्ट और एक नंबर की जर्सी में भोटली की ओर से रिंग में खिलाड़ी लंबो काफी सशक्त मुकाबला है। हमारे दोनों टीम अपना यहाँ पर आठ नंबर की जर्सी में और अच्छी कोशिश निश्चित ही अपना पॉइंट बनाए, एक पॉइंट मिला है यहाँ पर मदनपुर को। रिजेगा फिर और निश्चित ही एक नंबर दस नंबर खिलाड़ी एक पॉइंट लेकर आए, एक पॉइंट यहाँ पर नौ नंबर की जर्सी में एक बार फिर रिजिंग लिया है। चलो और दो नंबर के विधानसभा मैच सर्वाधिकार समिति पर सुरक्षित है, रेफरी यहाँ पर खड़े हुए हैं देखने के लिए। एक बार फिर अच्छी कोशिश और निश्चित ही अच्छी आठ नंबर की जर्सी में भोटली की ओर से फिर गए रिजिंग में दस नंबर की जर्सी में जो भी पॉइंट लेकर आए थे और निश्चित ही अच्छी कोशिश और कामयाब। अब नौ नंबर की जर्सी से मदनपुर की ओर से भोटली के लिए पीछे में पूरा सात खिलाड़ी अभी मौजूद बोनस लेने का प्रयास लेकिन काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पर अब एक नंबर की जर्सी ले गए हैं भोटली की ओर से मदनपुर के खेल में इसके खिलाड़ी अभी मौजूद और निश्चित ही अच्छी कोशिश यहाँ पर अरे
एक नंबर के मैदान पर मदन पूर्वक से घूमने के मध्य मुकाबला चलता हुआ और निश्चित ही यहाँ पर देखेंगे एक पॉइंट मदनपुर को और एक मैच सेकंड मैदान पर चलता हुआ खिलाड़ी वर्सेस ओटी मंत का यहाँ से कर रहा हूँ मैच अभी यह दूसरा मैच है और दो नंबर के नाम पर भी दूसरा मैच चलता हुआ अरे भाई एक पॉइंट भोतली को एक पॉइंट मदनपुर को बिल्कुल ही कसमकस मुकाबला है एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर एक पॉइंट इधर एक पॉइंट उधर लेकिन अच्छी दुखी कोशिश नवंबर की जर्सी में कोशिश अच्छा था लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद हरा खेमा वर्सेस बोरी लाचापुर का इस मैदान पर होना है और दो नंबर के मैदान पर देवरी वर्सेस मोती पार्क खुद और मैं पुनः बता दूं खिलाड़ियों को हरा खेमा वर्सेस बोरी और देवरी वर्सेस भोती पार्क खुद इसके तत्पश्चात मैच होना है आपका एक पॉइंट फिर मदनपुर को जैसे फिर दिन के लिए पांच खिलाड़ी से भोतली की खेमे में इसके बाद तत्पश्चात हर्रा खेमा से भोरी राजा बोर्ड का मैच होना है इस मैदान पर और दो नंबर के मैदान पर देवरी वर्सेस भोती पार्क खुर्द का मैच होना है दोनों टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे तीन नंबर की जर्सी में मदनपुर की ओर से नौ नंबर की जर्सी मदनपुर की ओर से गंभीर यहाँ पर कसमकस मुकाबला चार अंकों का मदनपुर चार भोतली दो इसके बाद हर खेमार बोरी का मैच होना है खिलाड़ी आ जाएंगे मैदान पर लंबा पैर निश्चित ही एक पॉइंट भोतली को फिर नौ नंबर की जर्सी में काफी कांटे की टक्कर यहां पर चलता हुआ भोतली वर्सेस मदनपुर और ग्रुप में भी काफी कस्म का खिलाड़ी वर्सेस होते बाद
चलता हुआ और यहाँ पर निश्चित ही दो पॉइंट मिला मदनपुर को। कुछ ही मिनट लगभग से और फिर दस नंबर की जर्सी में और निश्चित ही यहाँ पर अच्छी कोशिश और सफलता हुई हुए एक पॉइंट मिला भूतली की टीम को। चार खे मदनपुर के भोटली चार खिलाड़ियों के लगाते हैं सब यहाँ पर दर्शक लोगों को कि कौन मैच जीतेगा ऐसे करके एक ही सपोर्ट में एक ही सपोर्ट में एक अपने अपने टीम को सब सपोर्ट कर रहे हैं। पर यह बहुत ही पार ऐसा है जहां पर खिलाड़ी को जितना टेंशन नहीं होता है उतना दर्शकों को होता है कि मैच कौन जीतेगा। तो दबाव में डर रहा है दोनों ही टीम के काफी सशक्त खिलाड़ी और अच्छी कोशिश और निश्चित ही यहाँ पर एक पैकिला बहुत ही टीम को। अब गए हैं नौ नंबर की जर्सी में मदनपुर की ओर से काफी अच्छे रजा एक नंबर की जर्सी में रिजीन करेगा मदनपुर अभी एक पॉइंट में आगे है। आप बहुत ही कोशिश करेगा लेकिन सफलता की बात है और फिर नौ नंबर के कपड़े फेंके गए हैं मदनपुर के धार में। मौसम घना खिलाड़ी मन के साथ देवत है हवा चलत है गर्मी के एहसास थोड़ा कमती कर भी ठंडा हवा चलत है। एक मिनट एक एक पॉइंट की आगे है अभी मदनपुर बयालीस सेकंड और यहाँ पर एक पॉइंट फिर मदनपुर तीन पॉइंट से आगे हो गए। अब कुछ ही समय बाकी है भोपाली की टीम का तो बहुत जल्दी अब भी घर से जीते
दो पैंट मिल गए। अब एक पैंट के लिए ढाई, और इसके लिए मन है अपने अपने गुच्छावते का गुच्छावते, और तो बाद में पता चली। अब ये तो आखिरी के मैच का, और एक पॉइंट मदनपुर, और मैच खत्म।